अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव। आधा किलो गोश्त लिया है मैंने। सबसे पहले गोश्त ऐड करूंगी मैं इसमें। आधा टुकड़ा अदरक का है, एक छोटी प्याज है, चार अदद हरी मिर्चें हैं, तीन लहसुन के जवे हैं। अब कड़े मसाले ऐड करूंगी। बादियान के फूल है, जायफल है, ब्लैक पेपर है, सफेद जीरा है, तेजपात है, दालचीनी का टुकड़ा है, तीन अदद छोटी इलायची है, एक टेबलस्पून साबुत धनिया है, एक टेबलस्पून सौंफ है, दो गिलास पानी ऐड करूंगी मैं। अब इसका ढक्कन लगा रही हूँ मैं। तकरीबन 20 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन हटा दूंगी। गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है, अब इसे हम छान लेंगे। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी प्याज, एक प्याज जो मैंने काट के रख दिया था। प्याज को हल्का सा ब्राउन करूंगी। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें ऐड करूंगी गोश्त। अब इसमें मसाला ऐड करूंगी मैं। आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर, एक चिकन क्यूब्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक, चार से पांच अदद हरी मिर्चें, आधा किलो मैंने चावल लिया है जिसे अभी मैं धो के साफ करके आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी। अब इसमें यखनी का पानी ऐड करूंगी। ढक्कन लगा रही हूँ अभी मैं इसका, ताकि पानी में जोश आ जाए। यखनी में जोश आ चुका है, अब इसमें चावल ऐड करूंगी मैं। चावल का पानी खुश्क हो चुका है, अब इसे दम पे लगा लूंगी मैं। चावल हमारे तैयार हो चुके हैं, अब इसे डिश आउट करती हूँ मैं। बीफ यखनी पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।